ब्लॉगिंग कर रहे हो क्या आप? हाँ सर। ब्लॉगिंग के लिए या उसके लिए आजकल एक्सरसाइज के लिए? दोनों चीजों के लिए यूज करते हैं ना लोग। अच्छा, पहले रैपिडो चलाते थे आप? हाँ। अब इधर चला काम कर रहे हैं। तो मैं पहले से करता था, मैं पार्ट टाइम रैपिडो चलाता था। अरे भाई को सब जानता है यार। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आज आ गए हैं भाई पोर्टल में काम करने के लिए, और भाई ऑर्डर को जो है मैं उठा लिया हूँ, लोकेशन पे मैं आ भी गया हूँ। क्या बात है सर। तो एक बार जो है कस्टमर को फिर से कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कॉल किया था और 5 मिनट में बोला था, 5 मिनट से ज्यादा लगा दिया हूँ मैं। हेलो। हाँ सर, ये श्री राम प्रॉपर्टी पे खड़ा हूँ, लोकेशन जो डाले थे आप। श्री राम प्रॉपर्टी के बगल से अंदर गली में घुस जाइए आप। अच्छा, उसके बाद राइट लेफ्ट? लेफ्ट लेफ्ट। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, इधर जाना है भाई, ये बगल से गली है, उसके बाद लेफ्ट। आ गए। अरे आ गए। दे दो सर, यही है सिर्फ? वो जो सफेद वाला रखा है वो है। अच्छा वो है, दोनों है। बैग में आ जाएगा? बैग में नहीं आएगा, बैग में सामान है ना। देखते हैं, कोई और रस्सी है? हाँ, वो इसको बांधने के बाद उस पर बांध देंगे, ये दे दीजिए। हाँ, इसलिए हम इसको फेंकते नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है, काम आ जाता है। हमें ऐसा है ये। सही बात है। पेमेंट वो करवाएंगे, आप करवाएंगे? पेमेंट वही होगी आपकी। चलो ठीक है, पेमेंट वहीं पे होगी, मैं कर दूंगा। ठीक है सर। आगे से रास्ता है? आगे से भी निकल जाएंगे। चलो, जाना तो इधर ही है आपको। हाँ, तो यहाँ से गाड़ी टर्न करने में दिक्कत होगी ना। तो आईडी जो है भाई मैं चालू किया था 12 बजे, और हमारे पास जो है 3-4 ऑर्डर आए, ये नहीं कि ऑर्डर नहीं आया, जैसे आईडी चालू किया बजना ऑर्डर चालू हो गया। लेकिन क्या है ना, शुरुआत में बजा 120 रुपया का, यार क्या उठाना है इसको, फिर बजा शायद 108 रुपये का, तो ना इज्जत की फालूदा हो जाएगा, छोड़िए। फिर 300 कुछ रुपया का, 56 रुपये का, मैं जा भाई इसको तो उठाना बहुत जरूरी है। डरा मत, ये कंपलसरी है उठाना। ऐसे मैं आटे चालू किया हूँ 12 बजे, छोटे ऑर्डर उठाएंगे, बड़ा ऑर्डर उठाएंगे ना भाई, तो बड़ा ऑर्डर सोचे उठाने के, लेकिन जैसे सेकेंड खत्म हुआ उसका, कोई और लग गया, मेरे नसीब में नहीं था वो, नसीब खराब। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फिर वही घूम फिर के 123 रुपया का शायद था ऑर्डर, चलो यार इसको उठा लेते हैं, तो ऐसे इज्जत बना हुआ रहेगा, नहीं तो बार बार ऑर्डर देगा फिर पता नहीं पोर्टर ऑर्डर बजाना ही बंद कर दे, क्योंकि इसका टाइम भी खत्म हो जाता है, हमारे ऊपर जो है दया दृष्टि नहीं यार पोर्टर का। तो ये भाई हम आ गए ड्रॉप लोकेशन पे, हाँ यहीं का डला हुआ बिल्कुल ऑन रोड। अब जो है कॉल करना पड़ेगा, क्या लूँ, रहमत रोटी वाले, चलो जी यही बता देते हैं, कॉल करना पड़ेगा। हेलो। हाँ सर, ये पोर्टर से जो है कुछ सामान लेके आया था मैं। हाँ हाँ, कहाँ पर है ये भट्ट? अच्छा हाँ ठीक है, ये इधर से आना पड़ेगा, देखो ये पीछे सर्विस रोड से अंदर को आना। ठीक है, ये भाई हो गया शॉप, इसमें जाना है और घूम के जाना पड़ेगा, जाना है इसमें सुबह बारिश हो रही थी सर, अभी गर्मी देखो, गर्मी पूरी लग रही है। ब्लॉगिंग कर रहे हो क्या आप? हाँ सर। ब्लॉगिंग के लिए या उसके लिए आजकल एक्सरसाइज के लिए? दोनों चीजों के लिए यूज करते हैं ना लोग। नहीं नहीं नहीं, मैं ब्लॉगिंग के लिए। अब इनको ये सामान दे देता हूँ। हेलो सर, 93 है शायद। हाँ 93 है, 30 रुपया जो है लिख रखा है पेड ऑनलाइन। चलो जी डिलीवर कर दो, 5 रेटिंग दे दिए, दूसरा ऑर्डर का वेट करते हैं। आ भी गया यार, देखो कितना छोटा दिया, सब्जी मंडी छोट ले गया, कोई ले गया साले का, खोपड़ी तोड़ साले। 7 रुपये नहीं बस, ओके। अरे ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, अरे यार सदर बाजार ना भाई, बिल्कुल ना जाऊंगा यहाँ से, सदर बाजार कितना दूर पड़ेगा पता नहीं। अरे हमें लगता है कि ये ऑर्डर कोई नहीं उठाएगा, देखना ये ऑर्डर मुझे ही उठाना पड़ेगा,
पर मैं उठाऊंगा नहीं। क्या बोला तू? असाइन हो जाए तो हो जाए, सदर बाजार जाना मतलब जिंदगी खराब हो जाना है ना। ले कोई बात नहीं, असाइन हो जा भाई, जा। 100 रुपये का सुबह सुबह भाई इनकम हो गया है, 100 ज़्यादा ही होगा यार, कितना हुआ इनकम हमारा? ये देखो, ये भी सदर बाजार से। अबे साले, अरे यार उठा ले क्या? तेलीवारा सदर बाजार, कोई पहले उठा लेता उसके बाद देखता हूँ कोई उठाएगा इसको। नहीं उठाएगा यार, मुझे ही उठाना पड़ेगा। सदर बाजार का जो है ऑर्डर उठाना मतलब मुश्किल में फंस जाना। अभी तो मैं देखा ही नहीं हूँ कि यहाँ से कितना किलोमीटर मुझे पिकअप करने के लिए जाना है। 2.4 किलोमीटर से भाई पिकअप करना है। रास्ता तो भाई ब्लू दिखा रहा है, मतलब ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन यार एक राइड को मैं असाइन कर दिया ना, ये बहुत गलत काम किया। अच्छा इधर है रास्ता, अरे बंद है क्या? ये निकल जाएंगे, लगता तो है हम निकाल लेंगे। और ये एक भाई का जो है चलान कटा है, तो टाइम मिलता है। अरे यार ऑर्डर आया, मैं रबर को बांधा नहीं, ये रबर भाई टूट गया और इसमें चला गया, देख रहे हो आप। अरे यार ये भी है ना, ये लो, हम ध्यान दिए नहीं कि पीछे रबर है, ये लो टूट भी गया। चलो कोई नहीं, कहे तो ज़्यादा स्पीड में नहीं थे हम। चलो ऐसे बांध लिए हैं, काम चल जाएगा है ना। और ये एक भाई का जो है चलान कटा है यार, तो टाइम मिलता है तो उनको मैं कॉल करूंगा और किस तरीके से चलान कटा है या डिटेल लूंगा। अगर वो परमिशन दे दिए कि आप जो है रिकॉर्डिंग सुना सकते हो, तो अगर टाइम मिलता है ऑर्डर फिनिश करने के बाद तो मैं उनको कॉल करूंगा। पहले ऑर्डर उठाने के लिए चलते हैं। ये गली का मतलब इधर मैप भी ना काम करता है। अब यहाँ पे आ तो गए, अब मैप किधर दिखाएगा? ये देखो एक जगह अटका हुआ है, अब हमें खुद ने समझ में आ रहा है कि किधर जाना है। अब क्या लिखा हुआ है इसे? काली माता वाली गली। काली माता यही है क्या शायद? भैया ये काली माता जी वाली गली कौन सी है? काली माता यही होगा, काली माता वाली गली सही है क्या? अच्छा ठीक है, यहीं पे कॉल करके बुला लेते हैं यार। उधर बता रहे हैं पानी भरा हुआ है। हेलो, हाँ सर पोर्टल बुक किए थे आप? जी सर जी। ये काली माता है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। काली माता? हाँ काली माता कोई मंदिर नहीं है, ये पेड़ जो बीच में है। आपको गली माता वाली माना है भैया? गली माता मैं? हाँ गली माता वाली तेली वड़ा। आप गली माता वाली पूछो, उसके अंदर राठौर धर्मशाला गली में। अच्छा राठौर, भैया राठौर धर्मशाला अच्छा इसी लाइन में? अच्छा अच्छा ठीक भाई, इसी गली में जाना है भैया। राठौर धर्मशाला, राठौर धर्मशाला आगे। शुक्र है भाई सदर बाजार के ज्यादा अंदर नहीं हूँ। अच्छा ये माता जी हो, अच्छा काली माता ये है यार, ये देख जय माता के भैया। राठौर धर्मशाला यही है? अच्छा यही है, चलो कॉल करते हैं फिर। हाँ सर राठौर धर्मशाला पे खड़ा हूँ। क्या है बाइक नंबर भैया? हाँ 7877। चलो भाई आ तो रहे हैं। हाँ भैया, अरे इनको बोलना इनको। हाँ 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 7877 ना, रख दो। चल भाई निकलने दे यार पहले, उसके बाद कुछ होगा। ओ बेटे किसान, ये तो पूरा हनुमान जी जैसा पहाड़ उठा रखा बंदा। जाना है कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर। रास्ता खाली है। A few moments later. अभी मैं ये ऑर्डर लेकर के आ रहा था झिलमिल,
और भाई जब मैं फोन सेट करने लग गया ये जो है टूट गया। चलो ये भी ठीक है। यहाँ पे जो है ये ऐसे था, यहाँ पे हम अपने फ़ोन को जो है लगाते थे लेकिन गया टूट। मतलब आज जो है वीडियो बनाना अब जो है मुश्किल है। अभी ऑर्डर जो है मेरा पीछे ही रखा हुआ है, फिनिश भी नहीं किया हूँ। और मुझे लेकिन इस वीडियो में मैं वो चीज़ ज़रूर ऐड कर दूँगा जिनका चलान कटा है। तो ये ऑर्डर को पहले फिनिश करता हूँ, उसके बाद उनको जो है कॉल करता हूँ, पहले इस ऑर्डर को फिनिश कर लेता हूँ एक बार। वही ऑर्डर लेकर के तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ और कस्टमर को जो है मैं कॉल भी करते हैं, बोले कि आप ये पीपल का पेड़ है यहाँ पे रुकने के लिए बोला है। अब वेट करते हैं। और ये जो है ना हमारा एक और है हमारे पास, तो इसे भाई निकाल करके मैं फेंक देता हूँ क्योंकि ये अब जो है हमारा ये कोई काम का नहीं है। ऐसे काफ़ी दिन चला है भाई, काफ़ी दिन चल गया ये। और आज पता है मैं पोर्टल में क्यों काम करने आया हूँ, क्योंकि मैं YouTube पे जो है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं सबसे वोट करवाया था कि किसमें नेक्स्ट डे काम करने के लिए जाना चाहिए। भाई सबसे ज़्यादा वोट जो है पोर्टल को मिला है, तो चलो यार उसके बाद जो है जोमेटो का मिला है, तो पहले पोर्टल करेंगे फिर अगले दिन जो है जोमेटो करेंगे। इसलिए मैं आज पोर्टल में आया था, लेकिन जतरा खराब माउंटी टूट गया। कोई नहीं, दो ऑर्डर हमारा, ये दूसरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। ये भी पीपल का पेड़ था ना, इसलिए मैं यहीं पर रुक गया। अच्छा पैसे कौन देंगे? अच्छा आप ही लगे आ गया क्या? 163 रुपया फ़ोन पे कर दो। चल ऐसे आ गया भाई। हेलो कौन? सर मैं मुन्ना कुमार गुड्डू बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो शायद आपको पता होगा मेरा ना। हाँ तो इसलिए मैं आपको कॉल इसलिए किया हूँ, मुझे पता है आपका कॉल रिकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ। हाँ क्योंकि आपका जो है चलान कटा ना, तो उसका जो है मेरे पास स्लिप आया था। हाँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहा था, तो सोचा था कि जो आपके साथ हुआ है वो थोड़ा मैं वीडियो में डाल दूं ताकि लोगों को हेल्प हो जाए। बताइए तो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ सर? अच्छा थोड़ा देर के बाद। चलो ठीक। चलो भाई हमें तो कम से कम वो जानते हैं, ठीक है वीडियो बनाने से यही फायदा होता है। अरे भाई को सब जानता है यार। भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो अभी जो है लगता है ये बिजी हैं, थोड़ा देर के बाद जो है बोले हैं कि कॉल करता हूँ। तो भाई अभी जो पार्सल आया था ना मेरे पास, वो मुझे बिल भी दिए थे और मैं बिल जो है उनको दिया ही नहीं, तो दोबारा जो है वो आ रहे हैं लेने के लिए। कॉल किए कि भाई बिल तो आप दिए नहीं। बोले ठीक है आपके लोकेशन पर ही खड़ा हूँ मैं, आ जाओ। आने दो, वेट कर लेते हैं, यहीं पर था आया मैं। अरे नहीं मुझे किसी का कॉल रिकॉर्डिंग करना है, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा शांति है ना, कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो इसलिए वेट कर रहा था मैं। चलो ठीक है। मुन्ना कुमार गुड, नाम भी याद हो गई। चलो ठीक। अच्छा अच्छा पहले रैपिडो चलाते थे आप, अब इधर चल काम कर रहे हैं? तो वीडियो तो आप देखे होंगे। चलो ठीक। ऐसे आज जो है हमारा दो दो चीज टूट गया भाई, एक रबर टूट गया टायर में फंस के, ठीक है, और एक ये माउंट टूट गया। आज दिन सही नहीं है भाई मेरे लिए। और अभी जो है उनका मैं वेट कर रहा हूँ कि उधर से जो है कॉल आए, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है ना थोड़ा सा सही है, तो रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। नहीं तो फिर ज़्यादा देरी होगा तो घर निकलना पड़ेगा, फिर घर में तो और अच्छे अच्छे रिकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना। तो अभी टाइम जो है रात के 10:20 हो गया है, पर जो जिनका चलान कटा है उनका अभी तक हमारे पास कोई भी कॉल नहीं आया है। टाइम एक बार अगर आप सबको दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक बार जो है मैं फिर से कॉल करता हूँ, अगर वो उठा लिए और बातचीत हो गई तो अच्छी बात है, या पता नहीं सो गए हैं। एक बार कॉल करते हैं। उठा लो सर।
ऐसे मैं पहले ही कॉल करता, मैं अभी मार्केट से अभी जस्ट आया ही हूँ, ऐसे मैं 8 बजे इनको कॉल करना चाहता मुझे, पर इनका भी कॉल हमारे पास नहीं आया है। पता नहीं मैं रिकॉर्डिंग बोल के गलत तो ना कर दिया। बात तो सही है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं, कृपया कुछ दोबारा कॉल करता हूँ। कोई रिस्पॉन्स नहीं भाई। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। अब जो है एक बार सुबह 9 बजे या 9:30 बजे जो है मैं ट्राई करूँगा, अगर बातचीत कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई ठीक है। ऐसे इनका चलान का जो स्लिप है मैं डिस्प्ले पे आप सबको दिखा दूँगा, ठीक है, जब बात करूँगा तब। सुबह 9 बजे। तो भाई अभी जो है मॉर्निंग हो गया है और 9:04 जो है 4 मिनट हो गया है। ये देखो आप, शायद आप सबको अगर दिख रहा हो तो 9:04 जो है 4 मिनट हो गया है। अब क्या है कि रात में जैसे हम कॉल किए थे तो वो नहीं उठाए थे, शायद सो गए होंगे जो भी है, क्योंकि आदमी दिन भर काम करता है तो जल्दी सो जाता है, फिर सुबह काम करना होता है। तो अभी टाइम 9 बजा है तो अब तो भाई डिलीवरी बॉय उठ जाता है और 7 बजे भी उठ जाते हैं, कितने लोग 8 बजे पोर्टल में काम करने वाले 8 बजे उठ जाते हैं। तो एक बार कॉल कर लेते हैं। ऐसे में बता दो इनसे जो है हमारा पहले ही बात हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं? पर बात जब मैं किया था उस वक्त मैं ये नहीं बोला था कि कॉल रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ आपका, साथ में मैं अपना नाम भी नहीं बताया था। तो मैं सोचा कि इनके मुँह से सुन लेंगे तो अच्छा बात रहेगा, आप सबको सुना दूँ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर ये फ़ोन नहीं उठाएंगे फिर तो फिर बता दूंगा कि कैसे उनका चालान कटा था, पर एक बार फिर से कॉल करते हैं। लग गया। नो रिस्पॉन्स। कोई चांस नहीं। अरे उठा लो यार। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। क्या लगता है एक बार और कॉल करना चाहिए? एक बार और कॉल करेगा? एक बार और कर लेते हैं, या बंदा मेरा जो है नंबर ही ब्लॉक कर देगा या उठा ही लेगा या मुझे सुना देगा, ठीक है, रिस्क एक बार और ले लेते हैं। चलो हटा दो यार। कॉल सिर्फ रिकॉर्डिंग बोलने से लोग कितना डर जाते हैं, जिसमें अगर आप सिर्फ चालान का डिटेल पूछ रहे हैं कि सर चालान कहाँ पे कटा था, कैसे कटा था, ना गाड़ी नंबर की बात हो रही है, ना चालान नंबर की बात हो रही है, ना इनके नाम की बात है, नाम में इनका लिया हो नहीं लिया हो ना, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, फिर भी लोग कितना। अगर ऐसे ऐसे पर्सन को जो है वीडियो बनाने के लिए बोल दे भाई सामने आपका मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर तो हालत टाइट हो जाएगी, खत्म। सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग से जो है पर्सन इतना डर गया है कि कॉल अगला नहीं उठा रहा, ठीक है। ऐसे बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो वीडियो में आना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वीडियो में बिल्कुल भी आना नहीं चाहते, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग में जो है ऐसा कुछ तो नहीं है भाई, किसी का भी कॉल रिकॉर्डिंग कर ले, वह परमिशन ले लो और बता दो। ऐसे में बता दूं कि इनका जो है अक्षरधाम तरफ जो है चलान कटा था और ऊबर का चलान कटा था, ठीक है। तो जो पुलिस वाले थे वो खुद से ऊबर बुक किए थे, सामने बुलाए थे, उसके बाद जो है इनका चलान कटा था। तो आप सब जो है अगर गाड़ी चला रहे तो ध्यान रखना, ऐसे भी चलान कटता है। लेकिन यही चीज़ अगर ये बोलते हैं ना तो आप सबको काफ़ी अच्छा रहता है कि हाँ भाई इस तरीके से चलान कट रहा है।
चले कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो चलो भाई, ये वीडियो जो है मैंने दो दिन में हमारा शूट हुआ है ये कॉलिंग की वजह से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।